2008 में चंद्रयान के चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद 11 साल की कड़ी मेहनत और धरती से 47 दिनों के सफर की बदौलत मिली कामयाबी की खुशी देश मना ही रहा था कि अचानक खामोशी छा गई। ये खामोशी थी चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम के क्रैश होने की। अब 4 साल बाद इसरो चंद्रयान 3 के जरिए उस अधूरे मिशन को पूरा करने जा रहा है। आज मंडे मेगा स्टोरी में जानेंगे चंद्रयान 3 समेत चांद से जुड़े भारत के सभी पास्ट प्रोजेक्ट्स की पूरी कहानी। 15 अगस्त 2003 तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किले से ऐलान किया, मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा, इसका नाम होगा चंद्रयान प्रथम। दरअसल इसके पीछे का उद्देश्य था चांद की जियोग्राफिकल कंडीशंस और वहां मौजूद मिनरल्स का पता लगाने के साथ भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करना। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ और 8 नवंबर 2008 को चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया। करीब एक साल तक ये स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के ऑर्बिट में 3400 चक्कर लगाकर डेटा भेजता रहा। फिर 29 अगस्त 2009 को उससे हमेशा के लिए संपर्क टूट गया। हालांकि मिशन के दौरान स्पेसक्राफ्ट से चंद्रमा की सतह पर एक मून इंपैक्ट प्रोब की क्रैश लैंडिंग कराई गई, जिसके बाद चांद पर पानी होने का पता चला। इसकी पुष्टि करीब एक साल बाद नासा ने भी की। करीब 10 साल बाद लॉन्च हुआ चंद्रयान 2। ये चंद्रयान 1 से एक कदम आगे की बात थी। इसका उद्देश्य था चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और वहां मौजूद एलिमेंट्स की जानकारी जुटाना। इस मिशन में 3 चीजें शामिल थी, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। हालांकि चंद्रयान 2 रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर 2013 में लॉन्च होना था, लेकिन रूस के एग्रीमेंट से बाहर होने के बाद इसरो ने इसे अकेले लॉन्च करने की ठानी। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ, 20 अगस्त 2019 को चांद के ऑर्बिट में पहुंचा, 6 सितंबर को लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग शुरू हुई, लेकिन ब्रेकिंग सिस्टम में गड़बड़ी के चलते लैंडर क्रैश हो गया। हालांकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी चांद के चक्कर लगाते हुए साइंटिफिक डेटा जुटाकर भेज रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना मंगल से भी ज्यादा खतरनाक है। इसकी 3 वजह है। पहला, चांद पर वायुमंडल न होना, जिस वजह से वहां चीजें हवा में नहीं रुक पाती हैं। दूसरा, GPS मौजूद न होना, इससे सतह से दूरी का पता नहीं चल पाता। और तीसरा, चांद का साउथ पोल, यहाँ घुप अंधेरा होने की वजह से सतह साफ नहीं दिख पाती है। ये तो हो गई पुराने मिशन्स की बात। अब जानते हैं चंद्रयान 3 के बारे में, जिसे श्रीहरिकोटा के धवन स्पेस सेंटर से 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य है चांद की सतह पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग, रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना और वहां मौजूद एलिमेंट्स का साइंटिफिक एनालिसिस करना। इस 4 टन पेलोड वाले स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LVM-3 रॉकेट के साथ लॉन्च किया जाएगा, जो 45 से 48 दिनों में 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करके चंद्रयान 3 को चांद की ऑर्बिट तक ले जाएगा। लेकिन चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि चांद की वीरान और उजड़ी सतह के नीचे कई बहुमूल्य धातुएं मौजूद होने की संभावना है। साथ ही भारत अपने पड़ोसी देश चीन को स्पेस में एक तरफा बढ़त नहीं देना चाहता, जो कि पहले ही चांद पर जाने के 3 मिशन को मंजूरी दे चुका है। तो ये थी चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 3 मिशन तक की मंडे मेगा स्टोरी। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए।